स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पे। आज का क्लास में हम लोग बहुत से इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में जानने जा रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे डेस्कटॉप का शॉर्टकट की के बारे में। बहुत सारे अभी लॉकडाउन में हर एक स्टूडेंट अपने पास लैपटॉप रखते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, इन डेस्कटॉप को अगर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो उन लोगों को बहुत सारे शॉर्टकट की के बारे में पता नहीं रहता है। आज हम लोग उसी शॉर्टकट की के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट की ऑफ डेस्कटॉप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की। तो हम लोग आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग जिक्र करेंगे शॉर्टकट की के बारे में। डेस्कटॉप पे सबसे पहले डेस्कटॉप क्या है, आप जो स्क्रीन अभी देख पा रहे थे, वो जो स्क्रीन दिख रहा था, ये स्क्रीन जो हम लोग को दिख रहा है, यही स्क्रीन को हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। और आज हम लोग इसी डेस्कटॉप से बहुत सारे शॉर्टकट की देखेंगे। जैसे कंप्यूटर को रिफ्रेश करना हो, कंप्यूटर का आइकॉन्स का साइज को बड़ा छोटा करना हो, ये जो आपको दिख रहा है डिलीट करना, आइकॉन्स को हटाना हो, तो ये सभी काम हम लोग आज बिना माउस से हैंडल करेंगे। हम लोग अभी तक ज़्यादातर देखते हैं हर काम करने के लिए हम लोग को माउस का सहारा लेना पड़ता है, बट आज हम लोग इस क्लास में सीखने वाले हैं कि बिना माउस का पूरा काम कीबोर्ड से करना। तो चलिए आज का क्लास स्पेशल शॉर्टकट की के बारे में, और ये क्लास हर एक स्टूडेंट के लिए होगा, चाहे वो EDCA का हो, चाहे वो DCA का हो, चाहे वो 11th के हो या 12th के हो, वो कंप्यूटर के किसी भी क्षेत्र के स्टूडेंट हो, वो हर एक स्टूडेंट को ये सभी का जानकारी रखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम लोग को शॉर्टकट की है F1 बटन। F1 F और 1 नहीं, F1 से लेकर F12 तक बटन रहते हैं, जिस बटन को हम लोग फंक्शन की कहते हैं। और उस फंक्शन की में से कुछ की का यूज जो डेस्कटॉप पे ज्यादातर यूज किए जाते हैं। कंप्यूटर का हर एप्लीकेशन का एकमात्र ऐसा बटन है जो हर सॉफ्टवेयर में सेम काम करता है, चाहे वो डेस्कटॉप हो, नोटपैड हो, वर्डपैड हो, C++ हो, प्रोग्रामिंग हो, टेली हो, कंप्यूटर के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए तो मात्र कंप्यूटर का एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सब में सेम का सेम दिखता हो, सेम वर्क करता हो, और वो शॉर्टकट की हम लोग के सामने F1। F1 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, हेल्प के लिए। अभी हम ये सभी का यूज करके भी दिखाएंगे, आपको पहले जानकारी दे रहे हैं। F1 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, हेल्प के लिए। F2 का प्रयोग किया जाता है रीनेम के लिए। उसके बाद रीनेम का मतलब क्या होता है, किसी भी फोल्डर का नाम दिया गया है, आप उस फोल्डर का नाम को बदलना चाहते हैं, तो नाम को बदलने के लिए हम लोग को कमांड मिला है रीनेम। फिर F3 है सर्च का ऑप्शन, किसी भी फाइल, डॉक्यूमेंट, इमेज, फोटो, किसी भी प्रकार का कंप्यूटर का कोई भी डेटा को ढूंढना हो, खोजना हो, तो खोजने का कमांड आपको सर्च में मिलेगा। और चौथा नंबर है F5 बटन, जिससे हम लोग रिफ्रेश का प्रयोग करते हैं। तो चलिए एक करके हम लोग 1x1 शॉर्टकट की भी देखते हैं। तो सबसे पहला हम बताए थे F1 बटन। तो कीबोर्ड से केवल F1 बटन दबा देने से, कीबोर्ड पे केवल F1 बटन दबा देने से आपके कंप्यूटर पे एक विंडोज हेल्प एंड सपोर्ट का बॉक्स खुल जाएगा। और ये F1 केवल डेस्कटॉप ही नहीं, कंप्यूटर कहता है मेरे अंदर जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, वो हर सॉफ्टवेयर में जो एक ऐसा बटन जो सब एप्लीकेशन में सेम काम करता है, उस शॉर्टकट की का नाम है F1। फिर हम लोग F2 देखते हैं। F2 आप यहां पे देख पा रहे हैं 1P print इस फाइल का नाम है। हम लोग F2 जैसे प्रेस करेंगे तो इस फाइल का नाम को आप चेंज कर सकते हैं। आप इस फाइल का नाम अभी हम रख दे रहे हैं गोकुल कंप्यूटर। इस फाइल का नाम हम रख दे रहे हैं गोकुल कंप्यूटर। तो अब मेरा फाइल का नाम हो गया गोकुल कंप्यूटर। तो F2 के मदद से
किसी भी फोल्डर का नाम को हम लोग क्या कर सकते हैं, F2 से रीनेम का यूज हुआ। F3 बटन प्रेस करने पे एक सर्च नाम का बॉक्स खुलता है और सर्च में आपका फाइल दिखा रहा है। आप यहां से किसी भी चीज को, कंप्यूटर का किसी भी डेटा को, सॉन्ग को, वीडियोस को या किसी भी फोल्डर को यदि आप ढूंढना चाहते हैं तो फाइल के माध्यम से आप ढूंढ सकते हैं, सर्च के माध्यम से किसी भी चीज को खोज सकते हैं। फिर आता है F5 बटन। F5 जैसे प्रेस करिएगा तो ये डेस्कटॉप पे ब्लिंकिंग हो रहा है, इसी ब्लिंकिंग को लोग रिफ्रेश कहते हैं, जो ज्यादातर लोग राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं। तो आपके पास F5 बटन है, आप F5 बटन दबा करके किसी भी फाइल को रिफ्रेश कर सकते हैं। फिर इसी के साथ शॉर्टकट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की हम लोग का है कंट्रोल शिफ्ट और एरो की, सेलेक्ट द आइकॉन्स। इसका मतलब क्या है, आप कंट्रोल बटन दबा के रखिए, शिफ्ट बटन दबा के रखिए और एरो का कोई भी बटन दबा के रखिए। देखिएगा डेस्कटॉप पे जितने भी आइकॉन्स होंगे वो एक एक करके सारा सेलेक्ट होते चले, वन बाय वन, लाइन बाय लाइन सारा सेलेक्ट होते चले जाएंगे। मतलब आप इस माध्यम से डेस्कटॉप का सारा आइकॉन्स को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग के पास आता है अल्ट के साथ इंटर बटन, अल्ट के साथ इंटर बटन। अल्ट और इंटर प्रेस करने पे डिस्प्ले द प्रॉपर्टीज ऑफ सेलेक्टेड आइकॉन्स। अब इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि अल्ट के साथ यदि हम इंटर बटन दबाते हैं, यदि मान लीजिए ये गोकुल कंप्यूटर नाम का फोल्डर है, यदि इसका हमको डिटेल देखना है, डिटेल देखने के लिए हम लोग इस पर राइट क्लिक करते थे और राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाते थे। तो ये प्रॉपर्टीज में ना जा करके आप केवल डेस्क आइकॉन्स को सेलेक्ट करिए और अल्ट के साथ इंटर बटन दबाइए। तो जो काम आप किसी पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज का बॉक्स देखते हैं, वो सेम प्रॉपर्टीज का बॉक्स आपको डायरेक्टली, वो सेम प्रॉपर्टीज का बॉक्स आपको डायरेक्टली अल्ट के साथ इंटर बटन के साथ मिलेगा। आपको बहुत सारी जानकारियां इसके अंदर है, आप जिधर से भी देखिए अल्ट के साथ जैसे इंटर बटन दबाएं, अल्ट के साथ केवल इंटर बटन दबाना है, उसका प्रॉपर्टीज स्क्रीन पे शो कर जाएगा। उसके बाद फिर शॉर्टकट की है अल्ट के साथ कंट्रोल, अल्ट और टैब। कंट्रोल बटन, अल्ट बटन, टैब बटन, इससे हम लोग का मिनिमाइज फाइल होल्ड हो जाता है कि कंप्यूटर पे इतने सारे फाइल खुले हुए आप एक एक करके नेक्स्ट नेक्स्ट फाइल में मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो यहां पे क्या बताएं कि अल्ट के साथ कंट्रोल बटन और टैब बटन प्रेस करने पे कंप्यूटर पे जितने भी मिनिमाइज फाइल खुले हुए रहेंगे वो हरेक का हरेक चीज आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे शो कर जाएगा। तो आप यहां से वन बाय वन टर्म को देख सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल के साथ माउस स्क्रॉल व्हील, आप कंट्रोल बटन दबा लीजिए और माउस में जो आपका रोलर होता है, स्क्रॉलिंग होता है, व्हील दिया हुआ रहता है, जिससे आप पेज को ऊपर की ओर या नीचे की ओर करते थे, अब जैसे यहां से वैसा काम करिएगा तो आपका डेस्कटॉप का जो आइकॉन्स रहेगा इसका साइज बड़ा होगा और साइज छोटा होगा। आप देख पा रहे हैं कि कंट्रोल बटन के साथ हम माउस का जैसे स्क्रॉल बार प्रेस कर रहे हैं, मेरे आइकॉन्स का धीरे धीरे साइज बहुत ज्यादा छोटा हो गया। हम इसको फिर प्रेस करेंगे तो धीरे धीरे साइज मेरा बड़ा हो गया। इसका लॉन्ग प्रोसेस भी होता है जिसमें तीन ही कमांड आते हैं, लार्ज आइकॉन, मीडियम आइकॉन, स्मॉल आइकॉन। लेकिन ये तीनों से हटकर के कुछ ऐसा फंक्शन, ऐसा शॉर्टकट कि आप कीबोर्ड के माध्यम से कंट्रोल बटन और स्क्रॉल बटन के माध्यम से आइकॉन्स का साइज मनचाहा रख सकते हैं। आपको जितना एडजस्टमेंट लगता हो, आप जितना चाहे उतना आइकॉन्स का साइज रख सकते हैं, ये आप पे निर्भर होता है। तो चलिए हम लोग ये देखें पहला नंबर, अब हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं कुछ विंडोज बटन के साथ। कंप्यूटर में विंडोज बटन कहां रहते हैं? विंडोज बटन आपको पता होना चाहिए, आप जिस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, वो जनरली हर एक व्यक्ति का विंडोज है। और ये जो हम डेस्कटॉप का शॉर्टकट की बता रहे हैं, ये विंडोज 7 के लिए, विंडोज 8 के लिए, 8.1 के लिए, 10 के लिए, लगभग हर एक विंडोज का हर एप्लीकेशन में
सेम वर्क काम करता है। तो आपको फिर से समझिए, हम समझा रहे हैं विंडोज बटन। आप मेरे कंप्यूटर के शुरुआत स्क्रीन थे, ये जो स्टार्ट का बटन है, ये स्टार्ट का बटन ही विंडोज के बटन के नाम से जाना जाता है। तो आज का क्लास में इस विंडोज बटन जो कीबोर्ड में भी कुछ इसी चिन्ह के साथ रिप्रेजेंट भी करते हैं, आज हम लोग उसी सब के बारे में जानने वाले हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले क्या है कि विंडोज के साथ, विंडोज बटन के साथ यदि हम ई बटन प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर पे मेरा द पीसी मतलब माई कंप्यूटर नाम का फाइल खुल जाएगा। मतलब आप विंडोज बटन और ई बटन जैसे प्रेस करिएगा तो विंडोज ई प्रेस करने से द पीसी मतलब आपका पर्सनल कंप्यूटर का जितना भी डेटा है वो सभी स्क्रीन पे शो कर जाएगा, दिख जाएगा। रहे थे विंडोज और केवल ई प्रेस करने से आपका द पीसी जो रहता है वो कंप्यूटर पे शो कर जाता है। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की स्टार्ट प्लस डी, जिसको स्टार्ट भी कहिए या विंडोज प्लस डी कहिए, हाइड द डायलॉग बॉक्स। इसका मतलब क्या है, स्क्रीन पे किसी भी प्रकार के बॉक्स खुले हुए रहते हैं। अभी हम आपके सामने स्क्रीन पे कुछ अलग अलग प्रकार के बॉक्सेस ओपन कर रहे हैं। आपको यहां से समझ में आएगा कि मेरे पास अभी तीन बॉक्स खुले हुए हैं। एक बॉक्स है सूरज कुमार प्रॉपर्टीज, एक बॉक्स है द दिस पीसी और एक बॉक्स है पर्सनलाइज का। देख रहे होंगे इस बॉक्सेस में एक मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है, क्लोज है, बट इस बॉक्स में केवल क्लोज का चिन्ह है। इसमें और किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह यहाँ पे नहीं है। बट किसी भी प्रकार का कितना भी बॉक्स रहे, दो रहे, तीन रहे, चार रहे, पांच रहे, दस रहे, कितना भी बॉक्स रहे, उससे मतलब नहीं है। आप विंडोज के साथ डी प्रेस कर दीजिएगा तो आपका स्क्रीन में जितने भी बॉक्स खुले हुए रहेंगे वो सब हाइड हो जाएंगे। मतलब स्क्रीन ऐसा लगेगा कि कोई वहां पे कुछ काम हो ही नहीं रहा था, वो नजर ही नहीं आएगा स्क्रीन पे। तो आपको विंडोज के साथ फिर डी वापस प्रेस करिएगा तो आपका हर काम, हर एक्टिविटी स्क्रीन पे शो करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है डेली लाइफ में कि आप कोई पर्सनल प्रोजेक्ट बनाते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति आकर के देखना चाहता है, आप विंडोज डी प्रेस कर दीजिए, उसको डेस्कटॉप जरूर नजर आएगा बट डेस्कटॉप पे खुला हुआ कोई भी बॉक्स नजर नहीं आएगा। तो यदि आप उस बॉक्स को दोबारा लाना चाहते हैं तो विंडोज के साथ डी प्रेस करिए, और उस बॉक्स को हटाना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं तो विंडोज के साथ डी प्रेस कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है विंडोज के साथ डी। एक बार डेस्कटॉप पे आइकॉन्स दिखेगा और एक बार डेस्कटॉप पे आइकॉन्स नहीं दिखेगा। तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की होता है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सभी आइकॉन्स को हम लोग हटा देते हैं, फिर इसी के साथ कुछ आगे शॉर्टकट की में बढ़ते हैं। विंडोज प्लस एफ जो सर्च का काम करता है कि आप डेस्कटॉप पे विंडोज के साथ एफ दबाइएगा तो जो काम F3 किया था वो सेम काम सर्च का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। फिर उसी के आगे विंडोज प्लस एल है जिसको लॉग ऑफ कहते हैं, सिस्टम को टर्न ऑफ शटडाउन का नाम से जाना था, लॉग ऑफ उसको कहते हैं, जिसमें कंप्यूटर में हम लोग का जो यूजर बना हुआ रहता है, जो अकाउंट बना हुआ रहता है, वो अकाउंट स्क्रीन पे शो कर जाता है, दिख जाता है। तो हम लोग कंप्यूटर को लॉग ऑफ करने के लिए विंडोज के साथ जैसे एल प्रेस करेंगे तो हम लोग का सिस्टम बंद हो गया, और पुनः सिस्टम हम लोग को वहां पे खुलता है जहां पे आप फाइल में पासवर्ड लगा के रखे होंगे। यदि आपके कंप्यूटर में पासवर्ड लगा हुआ रहता तो आप विंडोज एल के साथ अगर प्रेस करते तो जब तक आप पासवर्ड दोबारा एंटर नहीं करते तब तक वो फाइल कंप्यूटर दोबारा नहीं खोल पाता। तो विंडोज एल का काम है लॉग ऑफ। फिर है विंडोज आर। विंडोज आर का काम होता है रन कमांड। रन कमांड का मतलब होता है स्पेशल कमांड लाइन के लिए एक रन कमांड बना है, जिसमें कमांड लाइन के लिए लोग इसमें अलग अलग कोडिंग का यूज करते हैं, और उसी का शॉर्टकट की है विंडोज के साथ R। फिर आता है अल्ट प्लस F4 देन इंटर। अल्ट के साथ F4 बटन दबाइए तो आपको सिस्टम बंद करने का नोटिस आता है कि आप शट डाउन विंडोज। आपका विंडोज किसी भी प्रकार का हो, जैसे मेरे कंप्यूटर में विंडोज 8 है, आपके कंप्यूटर में विंडोज 7 होगा, विंडोज 8.1 होगा, विंडोज 10 होगा, और जैसे इंटर बटन दबा देंगे तो आपका सिस्टम जो रहेगा वो सारा का सारा बंद हो जाएगा। तो सिस्टम को बंद करने के लिए
अल्ट के साथ F4 है। अब दो और इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की, अल्ट के साथ इंटर और शिफ्ट डिलीट इंटर। इसको कहते हैं टेम्पोररी डिलीट और एक को कहते हैं परमानेंटली डिलीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत कोई को नहीं पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक पेपर है, एक आइकॉन्स है जो है न्यू मैथ मॉडल सेट के नाम से। हम चाहते हैं इसको डिलीट करना, तो आप लोग सभी को जानते हैं राइट क्लिक करके जब डिलीट करते हैं तो यहां पे ये डिलीट जो हुआ वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता, वो मूव कर जाता है रिसाइकल बिन में। हम लोग रिसाइकल बिन से चाहे तो जिस फाइल को डिलीट किए थे यहां से हम लोग उसको दोबारा भी वापस ला सकते हैं। इसमें उस फाइल को हम लोग ढूंढेंगे जिसको हम लोग डिलीट किए थे और उस फाइल को दोबारा हम लोग रिकवर भी कर सकते हैं, दोबारा हम लोग वापस भी ला सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है न्यू मैथ मॉडल सेट, आप रीस्टोर पे तो पुनः फिर फाइल आपका वापस आ जाएगा। हम लोग फिर चाहते हैं कि सर इसको एक ऐसा डिलीट करे जो ये रिसाइकल बिन में ना जाए और ये परमानेंटली डिलीट हो जाए। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, पहले इसको डिलीट करेंगे, डिलीट जब इसको करेंगे तो ये डिलीट होकर के रिसाइकल बिन में जाएगा और रिसाइकल बिन में जाने के बाद फिर वहां से इसको डिलीट करिएगा तब ये परमानेंटली डिलीट होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि बिना इसको डिलीट किए हुए रिसाइकल बिन गए हुए एक ऐसा डिलीट करे जो ये फाइल पूरी तरीका से हट जाए, तो उसके लिए शॉर्टकट की बना हुआ है और आपको याद रखना होगा शॉर्टकट की, शिफ्ट बटन दबाना है, डिलीट बटन दबाना और इंटर बटन प्रेस करना। मतलब आपका काम पहले उस फोल्डर उस आइकॉन्स को सेलेक्ट किया जाए जिसको आप परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, शिफ्ट बटन दबाइए और डिलीट बटन दबाइए। जैसे यहां पे आएगा, यहां पे ऑप्शन आएगा आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, क्या आप कंफर्म है कि इस फाइल को हम हमेशा के लिए हटा दे। यदि आप यस पे क्लिक कर दीजिएगा तो हम जैसे यस पे क्लिक कर दिए तो इसको रिसाइकल बिन में कभी भी ढूंढिए, ये रिसाइकल बिन में नहीं मिलेगा और ये फाइल एक ऐसा डिलीट हो गया कि आपका फाइल कंप्यूटर से ऑटोमेटिकली गायब हो गया। तो आप किसी भी फाइल को या कोई भी डॉक्यूमेंट को ऐसा डिलीट करना चाहते हैं जो परमानेंट हट जाए, तो उसके लिए शिफ्ट बटन दबाइए, डिलीट बटन दबाइए और इंटर बटन प्रेस कर दीजिए। आप केवल इतना ही करिएगा तो आपका आइकॉन्स ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा, ऑटोमेटिक पूरा का पूरा आइकॉन जो भी जिसको डिलीट करिएगा वो हमेशा के लिए हट जाएगा। चलिए अब इसी के आगे कुछ और शॉर्टकट की है। अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं है, आज का टर्म जो हम क्लास ले रहे हैं वो केवल पार्ट वन है डेस्कटॉप का शॉर्टकट की, और आप इतना यूज करिए ना सभी डेस्कटॉप का शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फिर से शॉर्टकट की आया कंट्रोल प्लस एस्केप, ESC बटन, कीबोर्ड का फर्स्ट बटन का नाम है ESC जिसको स्केप बटन कहते हैं। आप कंट्रोल के साथ जैसे स्केप बटन प्रेस करते हैं आप कंप्यूटर के किसी भी फाइल में रहिए ना वो ऑटोमेटिक आपका डेस्कटॉप वाला स्क्रीन खोल देगा, स्टार्ट वाला ऑल प्रोग्राम वाला फाइल खोल देगा जिसमें आपका हर सॉफ्टवेयर मिलता है। आप कंट्रोल के साथ स्केप बटन फिर से प्रेस करिए दोबारा वापस ले आए, तो आपका काम क्या हुआ, कंट्रोल एस्केप बटन से आपका ऑल प्रोग्राम वाला फाइल खुल जाता है। अल्ट प्लस टैब, अल्ट टैब करने से देखिए मेरे कंप्यूटर में इतने सारे फाइल खुले हुए हैं जो अलग अलग फाइल में एक एक करके आगे बढ़ाते ले जा रहा है। तो आपका काम है कि आपके कंप्यूटर में चार फाइल खुले हुए, आपको अगला फाइल में जाना है तो बिना इसको मिनिमाइज किए हुए आप अल्ट के साथ टैब बटन दबाइएगा तो अगले फाइल में जाइएगा, अल्ट के साथ फिर टैब बटन दबाइए नेक्स्ट फाइल में जाइएगा। अब जैसे जैसे अल्ट के साथ टैब बटन प्रेस करते जाइएगा आप नेक्स्ट नेक्स्ट फाइल में मूव करते चले जाइएगा, वन बाय वन जंप करते चले जाइएगा। अब आपका काम क्या है कि हमको नेक्स्ट नहीं, हमको प्रीवियस फाइल में जाना है। प्रीवियस फाइल में कैसे जाएंगे, तो प्रीवियस फाइल में जाने के लिए अल्ट है, शिफ्ट है, टैब है। अल्ट बटन, शिफ्ट बटन और टैब बटन, अल्ट बटन, शिफ्ट बटन और टैब बटन, ये प्रीवियस ले जाएगा, जस्ट उल्टा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे ये जो स्लाइडर है वो वन बाय वन पीछे जा रहा है, एक था नेक्स्ट मतलब दैट इज फॉरवर्ड और एक था दैट इज बैकवर्ड, एक आगे की ओर ले जाता है तो एक पीछे की ओर ले आता है। तो
तो आपको समझना है ये सबसे ज्यादा डेस्कटॉप का इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। अल्ट के साथ टैब प्रेस करने पे मिनिमाइज फाइल अगला खुल जाता है। अल्ट के साथ फिर शिफ्ट बटन और टैब बटन प्रेस करने के बाद आपका प्रीवियस पहले वाला मिनिमाइज फाइल खुलता है। एस्केप बटन का काम क्या है? एस्केप बटन कहता है किसी भी प्रकार का बॉक्स को हटाना। जैसे आप इसी के अनुसार एक प्रॉपर्टीज बॉक्स लिए, इस बॉक्स में जैसे एस्केप बटन, अब बोलिएगा सर बॉक्स और ये जो बॉक्स खुला और ये जो बॉक्स खुला, हम एस्केप बटन दबा रहे तो एक ही बॉक्स हटा रहा। जरा देखिए इस बॉक्स को खोलने पे यहाँ पे केवल क्लोज का ऑप्शन आ रहा है, बट इस बॉक्स में क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, ये पूरा तीनों टर्म का हमको नजर आ रहा है। तो ये जो बॉक्स हुआ, इस बॉक्स को स्केप बटन नहीं हटाता। जब किसी भी कमांड पे जो मैसेज बॉक्स खुलता, जैसे यदि हम किसी फोल्डर को परमानेंट डिलीट कर रहे थे तो यहाँ पे भी एक बॉक्स खुलता है। इस बॉक्स में देखिए मिनिमाइज मैक्सिमाइज का ऑप्शन नहीं आता, इसमें डायरेक्ट केवल क्लोज का ही ऑप्शन आता है। इस बॉक्स को कहा जाता है डायलॉग बॉक्स, और इस बॉक्स को हटाने के लिए केवल एस्केप बटन का। सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो कंप्यूटर का पूरा नॉलेज रखते हैं लेकिन उनको कीबोर्ड का पहला बटन का प्रयोग पूछ दिया जाए तो वो बच्चे नहीं जानते, वो स्टूडेंट नहीं जानते। तो आखिर क्यों? क्योंकि वो उनका कभी यूज ही नहीं करते, वो कभी कीबोर्ड का प्रयोग ही नहीं करते, वो ज्यादातर काम मैनेजमेंट अपना माउस से ही करना चाहते हैं। तो आपको हम क्या समझाएं एस्केप बटन का यूज? कभी भी किसी भी कमांड पे क्लिक करने के बाद यदि कोई बॉक्स खुलता है जिसमें मिनिमाइज मैक्सिमाइज का ऑप्शन नहीं आता है तो उस बॉक्स को हटाने के लिए केवल एस्केप बटन, कीबोर्ड का पहला बटन दबा दीजिए तो आपका वो फाइल हट जाएगा। तो आसानी से किसी भी चीज को हटा सकते हैं एस्केप बटन की मदद से। फिर उसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं, टैब बटन का काम क्या है? टैब बटन डेस्कटॉप पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, बट आप इसको समझिएगा तब। टैब बटन हम लोग को एक बार डेस्कटॉप का आइकॉन्स पे लगेगा, एक बार स्टार्ट पे लगेगा, एक बार हम लोग का फाइल पे लगेगा, एक बार नोटिफिकेशन बार पे, वन बाय वन हर चीज को एक एक करके जो मूव करवाता है वो मूव करवाने वाला ऑप्शन ही टैब होता है। हम जैसे प्रेस किए तो अभी ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग का यहाँ ये स्टार्ट वाला इंडिकेट हुआ है। आप कैसे समझिएगा सर स्टार्ट वाला सेलेक्ट है? तो देखिएगा जैसे जैसे हम टैब बटन प्रेस कर रहे हैं एक एक करके वो स्टेप मूव करता है। आप अपने कंप्यूटर के प्रैक्टिकल पे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, केवल टैब बटन प्रेस करने से एक एक करके एक बार आइकॉन्स पे जाएगा, एक बार टास्क बार का स्टार्ट ऑप्शन पे जाता है, एक बार मिनिमाइज फाइल पे जाता है, एक बार नोटिफिकेशन बार पे जाता है, फिर आइकॉन्स पे जाता है, फिर दोबारा स्टार्ट का ऑप्शन आता है। तो एक एक करके जो रिपीटेशन करवाता है, मूव करवाता है, वो हम लोग का टैब बटन होता है। अब उसी के आगे हम लोग देख रहे हैं कैप्स लॉक का यूज और नम लॉक का यूज। कैप्स लॉक क्या होता है, नम लॉक क्या होता है? कैप्स लॉक का यूज किया जाता है कैपिटल अक्षर, कैप्स बना ही कैपिटल के लिए। जब कंप्यूटर पे कभी भी बड़ा अक्षर लिखने का जरूरत पड़ता है तो हम लोग कैप्स लॉक बटन का यूज करते हैं, और जब कभी भी नंबर लिखने का जरूरत पड़ता है, कभी कल कीबोर्ड में नंबर काम नहीं करता है, साइड का नंबर काम नहीं करता, तो उसके लिए बटन बना है जो बटन का नाम है नम लॉक। और एक और बटन है, कोई कहता है मोबाइल में यार हम लोग तुरंत स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, थ्री फिंगर प्रेस कर देते हैं स्क्रीनशॉट हो जाता है, पावर बटन वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस कर दीजिए तुरंत स्क्रीनशॉट हो जाता है मोबाइल में। अलग अलग संसाधन है आपका स्क्रीनशॉट लेने का, बट कंप्यूटर में सर स्क्रीनशॉट कैसे ले? तो कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने के लिए एक बटन है प्रिंट स्क्रीन सिस्टम, जिसका पूरा नाम वहां नहीं दिखाता, वहां PRTSC सिस्टम RQ दिखाता है। आप कभी कीबोर्ड में बटन ढूंढिएगा और केवल एक बार प्रेस कर दीजिएगा तो आपके कंप्यूटर का पूरा चीज स्क्रीनशॉट हो जाता है। जैसे हम आपको दिखाना चाहते हैं कि मेरा ये स्क्रीन का पूरा बॉक्स खुला हुआ है, हम जैसे PRTSC SYS RQ बटन आप कीबोर्ड में ढूंढिएगा वो बटन क्या है, जैसे प्रेस कर दीजिएगा तो ये मोबाइल का पूरे होल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट हो जाएगा। अब हम लोग एक पेंटिंग नाम का एप्लीकेशन लेते हैं, और पेंटिंग नाम का एप्लीकेशन पे पेस्ट नाम का ऑप्शन यूज करते हैं तो देखेंगे कि वो डेस्कटॉप पे जितना भी चीज दिख रहा था, ऊपर का आइकॉन्स, इधर का, साइड का, हर चीज का पूरा स्क्रीनशॉट हो गया। तो आप इस तरह से किसी भी कंप्यूटर का कोई भी एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं केवल एक बटन से, प्रिंट स्क्रीन सिस्टम रिक्वायर्ड।
केवल ये बटन प्रेस करने से आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट हो जाएंगे। तो चलिए आज का क्लास में हम लोग देखें कि किसी भी प्रकार का डेस्कटॉप का शॉर्टकट की, और ये केवल पार्ट वन था, डेस्कटॉप का ये पहला पार्ट था, इसी से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो और बहुत सारे शॉर्टकट की हम वन बाय वन आपको क्लास में देते चले जाएंगे। इसका कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपका काम है। जो मेरे चैनल पे नए होंगे वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में जितना से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को शेयर करिए, और आपको नया नया टिप्स, नया टेक्नोलॉजी और नया शॉर्टकट की हम आपको पूरा का पूरा वन बाय वन सिखाएंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में, फिर अगला वीडियोस में हम इसका पार्ट टू लेके आएंगे। तो आप लोग सबसे पहला पार्ट वन को देखिए और पार्ट वन को समझिए, और जितना ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, हम आपके लिए फिर पार्ट टू बना के लाएंगे, जिसमें इससे और कुछ रिलेटेड डेस्कटॉप का शॉर्टकट की, बहुत सारे छिपे हुए शॉर्टकट की वन बाय वन हम टॉपिक बाय टॉपिक बताएंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।